For first lecture on electromagnetic waves. So as we have already dealt with what electric field and magnetic field individually. Now when it comes about the wave, एकदम दिमाग को खोल के बैठने का करने का इसको दो लेक्चर में कर सकते हैं लेकिन करेंगे हमारा wave की अगर मैं बात करूं, if you talk about wave, what is a wave? एक फिनोमेना जो कि एनर्जी कैरी करके एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचा सकता है. तो इसको क्या कह सकता हूं मैं शॉर्ट में, इट इज एन एनर्जी कैरिंग फिनोमेना. इसमें तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है. सो इट इज एन एनर्जी कैरिंग फेनोमेना. इट विल टेक द एनर्जी फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन. ओके, जब मैं ईएम वेव की बात करता हूं, ईएम वेव की जब मैं बात करूं तो इसके नाम से ही आपको पता चल जाता है एक ऐसा फेनोमेना एनर्जी कैरी करने का जिसमें कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का इन्वॉल्वमेंट होगा. मतलब एनर्जी विल बी कैरीड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड. Energy will be carried in the form of electric and magnetic field. It's called, the phenomena will be called electromagnetic wave. So, कुछ एक basic result की मैं बात करूँ, basic equations of electricity and magnetism की मैं बात करूँ जरा. The basic equations of electricity and magnetism. अगर इसकी कहानी करी जाए हमें, आपको याद हो जो एक इक्वेशन हमने बनाया था गॉस लॉ फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. पहला इक्वेशन मैं लिखता हूं, ये क्लोज्ड इंटीग्रल होता है, ये सब मैं आपको बता चुका हूं. E.ds equals to charge enclosed within this closed surface upon epsilon naught. This is called what? Gauss law for electrostats. Gauss law for electrostats. दूसरा एक बेसिक सा इक्वेशन है, सेम टू सेम इक्वेशन बट फॉर मैग्नेटिक फील्ड. बी डॉट डी एस ये हो जाता है जीरो. क्यों जीरो होता है? क्योंकि किसी भी क्लोज्ड रीजन में कभी भी मैग्नेट का मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता है. आपको मैंने बताया हुआ है इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में कि मैग्नेट जब भी एग्जिस्ट करेगा तो वो डाइपोल में एग्जिस्ट करेगा. इट मींस इट विल हैव नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल साइमल्टेनियसली. एंड नॉर्थ पोल के स्ट्रेंथ को हम पॉजिटिव स्ट्रेंथ बोलते हैं और नेगेटिव स्ट्रेंथ बोलते हैं साउथ पोल के स्ट्रेंथ को. अगर मान लो एक मैग्नेट को मैं क्लोज्ड सरफेस के अंदर रख देता हूं, जैसा कि यहां तो चलो चार्ज इनक्लोज्ड है ना, वहां पे आप मैग्नेटिक स्ट्रेंथ एनक्लोज्ड क्या लिखोगे? जीरो लिखोगे. तो हमेशा बी डॉट डी एस इन अ क्लोज्ड सरफेस विल ऑलवेज बी इक्वल टू जीरो. इसको बोलते हैं गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म. गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म. ओके, तो ये दो इक्वेशन है. और देखो
इसके बाद हमने एक इक्वेशन और बनाया था, ये दो तो गॉस लॉ से रिलेटेड है। तीसरा इक्वेशन मैंने बनाया था क्या, एम्पियर्स लॉ फॉर मैग्नेटिज्म। क्या लिखा था एम्पियर्स लॉ फॉर मैग्नेटिज्म में, बी डॉट डी एल इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स द नेट करंट क्रॉसिंग थ्रू दिस क्लोज्ड कर्व, ओके क्लोज्ड लाइन, ओके डीएल का क्लोज्ड इंटीग्रेशन। दिस इज कॉल्ड व्हाट, एम्पियर्स लॉ फॉर मैग्नेटिज्म। दिस इज कॉल्ड एम्पियर्स लॉ फॉर मैग्नेटिज्म। ओके, इसके बाद सिमिलरली आप जब इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करोगे तो ये हमेशा जीरो होता है। क्या ई डॉट डी एल जब आप करोगे यू विल गेट दिस जीरो। इसको बोला जाता है एम्पियर्स लॉ फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है। तो ये बेसिक लॉ है। इसके बाद हमने क्या डिफाइन किया था, याद करो आप जरा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की बात करी थी मैंने। तो ये तो हमने क्या लिखा है, बेसिक इक्वेशंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। तो मैं यहाँ पे फिफ्थ पॉइंट नहीं दूंगा, यहाँ पे बस आप इतना जान लो कि ये इंडिविजुअली इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए और मैग्नेटिक फील्ड के लिए हमने इक्वेशंस बनाए थे। अब जो हमें करना है वो इन दोनों को मिलाने की बात करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को एक साथ मिलाने की बात करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, जो अपने पास एक रिलेशन है इसको क्या आप कहते हो, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। यहां से अगर आगे बढ़ा जाए तो इस लॉ में हमने क्या देखा था कि कोई एक मैग्नेटिक फील्ड है और इस मैग्नेटिक फील्ड में किसी एक लूप को अगर रख देते हैं हम, इस क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड में मान लो मैंने एक क्लोज्ड लूप को प्लेस कर दिया, ठीक, तो क्या होगा, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड, इफ दिस मैग्नेटिक फील्ड इज वेरिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ओके। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, इफ इट इज वेरिंग विद टाइम, वेरिंग विद टाइम, तो टाइम के साथ साथ इस लूप से क्रॉस करने वाला फ्लक्स भी वेरी करेगा। फ्लक्स विल बी व्हाट, द बी मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया वेक्टर, डॉट होता है हमें पता है बी डॉट ए, अभी यहाँ पे 0 डिग्री या 180 डिग्री होगा, तो इसलिए मैं क्या लिख रहा हूँ, मैग्नेटिक फील्ड को मल्टीप्लाई कर रहे हैं डायरेक्टली एरिया से, एरिया किसका, तो लूप का। अच्छा एक बात और मैंने बताया था, उतना ही सेक्शन ऑफ एरिया कंसिडर किया जाता है जितना सेक्शन की मैग्नेटिक फील्ड के अंदर लाई करता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है जब भी कभी टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड होगा। दिस इज व्हाट, एक बार और लिखूंगा मैं क्योंकि इसमें इंफेसिस करना है अपने को, टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड जब भी होगा तो यहाँ पे फ्लक्स लिंक भी टाइम के साथ चेंज होगा, और जब भी कभी टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड होता है किसी भी क्लोज्ड लूप के रीजन में तो आपको एक इंड्यूस्ड ईएमएफ मिल जाता है। एन ईएमएफ इज इंड्यूस्ड
and EMF is induced. तो ये जो induced EMF होता है, E अगर मैं लिखूं तो इसको क्या लिखते हैं आप, minus of d phi by dt. induced EMF को मैं जीटा बोलते हैं, इसको जीटा से डिनोट करता हूँ. अभी आप देखना कि पहले से आपको एक रिलेशन पता भी होगा कि EMF, EMF means what? अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का रिलेशन लिखना चाहूँ तो माइनस ई डॉट डेल्टा आर, ये लिखते हैं हम, है ना. इस और डेल्टा आर क्या है, लाइन डिफरेंशिएशन है, मतलब कि पार्शियल डिफरेंशिएशन है अलग अलग डायरेक्शंस में. तो अगर मैं इस ईएमएफ को फर्दर इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में लिखूं, क्योंकि अभी मैं आता हूं बेसिक पे, आपको बड़ा अच्छा लगेगा जब आप बेसिक्स को समझोगे. अब ईएमएफ को मैं क्या लिख सकता हूं, माइनस ई डॉट डीएल इक्वल्स टू माइनस ऑफ डी फाई बाय डीटी. तो फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से जो यहाँ के लिए यूजफुल रिजल्ट एक बनता है वो बन जाता है, और ये क्लोज्ड इंटीग्रल, क्योंकि हम लूप की बात कर रहे हैं. ईएमएफ क्या है यहाँ पे, लूप में इंड्यूस हो रहा है. लूप अगर क्लोज नहीं होगा तो फिर ईएमएफ इंड्यूस होने की बात भी हम नहीं करेंगे. तो ई डॉट डी एल आ जाता है आपके पास माइनस डी फाइव, विच विल बी द फंक्शन ऑफ टाइम डिवाइडेड बाय डीटी. ये फंक्शन ऑफ टाइम है. अब ये फ्लक्स को आप फिर से किसके फॉर्म में लिख सकते हो, दिस फ्लक्स कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ, ये माइनस को प्लस हो चुका है, यू विल राइट द फ्लक्स इन द फॉर्म ऑफ टाइम वेरिंग मैग्नेटिक डी टी इंटू एरिया. ये आ गया आपके पास रिलेशन जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में यूज होगा. ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, लेकिन इसको दो स्टेप आगे तक मैंने अभी डिराइव किया है. दिस विल बी अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन कॉल्ड व्हाट, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. अभी आप थोड़ा सा मेरी एक छोटी सी कहानी सुनिए इसके रिगार्डिंग. लाइक अगर मेरे पास एक क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड है किसी रीजन में जो कि टाइम के साथ वेरी कर रहा है, टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड इन अ रीजन इन स्पेस इज देयर. तो और एक लूप में यहाँ पे ले लूं, एक यहाँ पे मैंने क्लोज्ड लूप को ला करके कंडक्टिंग लूप है ये, इसमें मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, और ये मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है, वेरी हो रहा है. तो आप क्या देखते हो इसमें, अगर यदि यहाँ पे कोई मैं गैल्वेनोमीटर लगा के रखूँ तो मुझे इसमें डिफ्लेक्शन मिल जाएगा. डिफ्लेक्शन मिलने का मतलब क्या है कि इस कंडक्टिंग लूप में पहले से तो कोई करंट नहीं था, कोई ईएमएफ नहीं था, लेकिन जब मैं इसको टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड में रखता हूँ तो एक करंट फ्लो करता हुआ मेरे को दिखता है. इसका मतलब क्या है कि इसमें करंट फ्लो करने का मतलब क्या है, देखो कंडक्टर की अगर आप बात करो, सिर्फ कंडक्टर की बात करो, तो कंडक्टर के पास तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स पहले से अवेलेबल होते हैं, है ना. कंडक्टर की प्रॉपर्टी में मैंने आपको बताया है, जो वैसे कंडक्टर रखा हुआ है तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं, चार्जेस अवेलेबल होते हैं. तो ये चार्ज लेकिन स्टेशनरी अवस्था में होते हैं. इनिशियली क्या होता है, ये चार्ज स्टेशनरी होता है, इनिशियली स्टेशनरी. लेकिन जब आप कहते हो बट व्हेन द करंट फ्लो करता है तो क्या कहते हो, देन दैट मीन्स द चार्ज इज फ्लोइंग, दैट मीन्स द चार्ज इज फ्लोइंग, चार्ज फ्लो कर रहा है. ओके, मतलब करंट फ्लो करने का मतलब क्या है कि चार्ज का मूवमेंट है, और चार्ज को मूव कराने के लिए, फ्लोइंग ऑफ चार्ज के लिए देयर मस्ट बी एन इलेक्ट्रिक फील्ड. इसका मतलब आपने जो फैराडेज लॉ से यहाँ पे
रिलेशन बनाया है अभी, क्या रिलेशन बनाया है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में, कि किसी रीजन में या किसी क्लोज लूप में इलेक्ट्रिक फील्ड अपीयर हो जाएगा अगर यदि वो क्लोज लूप किसी टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। इसको एकदम बेसिक तरीके से समझो कि किसी भी क्लोज्ड लूप में इलेक्ट्रिक फील्ड का अपीयरेंस हो जाएगा अगर यदि लूप किसी टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। तो आप देखो कि आपने अभी तक बात क्या करी थी, करंट के फ्लो होने की, है ना। करंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या बताता है, करंट लूप में फ्लो कर जाएगा या फिर एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। लेकिन ईएमएफ इंड्यूस होना या करंट का फ्लो करना इस पे डिपेंड करता है। करंट के फ्लो करने का मतलब क्या है, चार्ज का फ्लो होना, और चार्ज फ्लो कब कर सकता है, अंडर द अपीयरेंस और अंडर द एक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। चार्ज को तो मैग्नेटिक फील्ड फ्लो नहीं करा सकता है, चार्ज को तो डेविएट करता है बस मैग्नेटिक फील्ड। अब आप कह रहे हो कि जैसे मैंने टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड में लूप को रखा है तो इसमें करंट डेवलप हो जा रहा है, और वो करंट जो डेवलप हो रहा है इसका मतलब वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। करंट डेवलप होने का मतलब क्या होता है, चार्ज का फ्लो करना। तो फैराडेज लॉ यहाँ पे प्रूफ करता है, है ना। ये क्या प्रूफ करता है इस नोट को देख के, काफी इंपॉर्टेंट है ये, कि वेयर एवर अ टाइम वेरिंग, मतलब या फिर ऐसा लिखो, अ टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस एन इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपके सिलेबस में तो यहीं तक जानो, लेकिन एक मैं इसमें लाइन ऐड करता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिंग इन स्पेस। स्पेस बोले तो डिस्टेंस, एरिया या वॉल्यूम। तो यहाँ देखो इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में कर रहा, लाइन इंटीग्रल है, वो भी क्लोज। मैंने आपको बताया था कि जब लाइन क्लोज होता है तो क्या बनता है, सरफेस बनता है। तो वेरिंग इन स्पेस, ओके। सो अ टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस एन इलेक्ट्रिक फील्ड व्हिच वेरीज इन स्पेस। ये है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसके बाद हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग बात। देखो इसके बाद में बात करता हूँ एम्पियर्स लॉ। देखना एम्पियर्स सर्किटल लॉ। एम्पियर ने एक साइंटिस्ट हैं, इन्होंने क्या डिफाइन किया है कि किसी भी रीजन में, मतलब बी डॉट डी एल अगर यदि मैं करूं किसी क्लोज लाइन के लिए, तो इसको हम लिख सकते हैं मी नॉट टाइम्स द नेट करंट टू द लूप। लाइक अगर मैं बोलूं ये कोई क्लोज रीजन है और इसमें करंट आई वन है अंदर की तरफ, I2 है बाहर की तरफ, और I3 है फिर से बाहर की तरफ, तो इसके लिए एम्पियर्स लॉ क्या लिखो गया, इस रीजन में B डॉट dl इट विल बी mu नॉट टाइम्स माइनस I1, अगर मैं अंदर के डायरेक्शन को नेगेटिव मानू तो, प्लस I2 प्लस I3। ये क्या हो जाता है, एम्पियर्स सर्किटल लॉ। ये एम्पियर ने ये डिफाइन किया था। लेकिन एक आए सुपर साइंटिस्ट, अभी तक हमने कितने साइंटिस्ट की बात कर दी यहाँ पे, तीन, एक गॉस, दो, एक गॉस की जिन्होंने इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दिए के रिलेशंस को दिए, दूसरा हमने देखा फैराडे की बात करी, तीसरा एम्पियर की बात करी। ये तीन साइंटिस्ट पूरे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में डील कर रहे हैं। इनके बाद इनका सुपर साइंटिस्ट आता है मैक्सवेल। मैक्सवेल ने क्या किया कि कंपाइल किया, इन सारे रिलेशन को चेक किया। जब मैक्सवेल ने इन सारे रिलेशन को चेक करना स्टार्ट किया तो ये पाया गया
कि जो गॉस लॉ है वो दोनों के दोनों गॉस लॉ करेक्ट है, उनमें कोई भी इश्यू नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी अनसर्टेनिटी नहीं है, कोई भी इनकॉन्सिस्टेंसी नहीं है। इसके बाद फिर फैराडे लॉ की बात करें, फैराडे लॉ में भी इन्होंने कोई भी गलती नहीं पाया है। कंपाइल करने का मतलब होता है चेक करना, तो फैराडे लॉ में भी कोई भी गलती इनको नहीं मिला। लेकिन जब एम्पियर्स लॉ की बात आई तो मैक्सवेल साहब ने कहा है कि ये एम्पियर्स लॉ जो है इसमें कुछ कंसिस्टेंसी है, देयर इज अ कंसिस्टेंसी इन द एम्पियर्स लॉ। एम्पियर्स लॉ में क्या है, देयर इज अ कंसिस्टेंसी इन, देयर इज एन इनकंसिस्टेंसी। इनकंसिस्टेंसी विद एम्पियर्स लॉ, ये पाया गया एक प्रॉब्लम है इसमें। क्या प्रॉब्लम है अब हम वो पढ़ते हैं, एम्पियर्स लॉ देखिए क्या है प्रॉब्लम। यहाँ पे जो आप करंट शो कर रहे हो, देखो I1 करंट, I2 करंट या I3 करंट, ये किसी ना किसी बैटरी की वजह से रहा होगा, है ना। तो यहाँ जो करंट है, इस एम्पियर्स ने जो डिफाइन किया, ये जो नेट करंट है वो उस लूप के थ्रू पास करने वाला करंट है, तो इसको लिखा गया क्या, इस नेट करंट को कहा गया कंडक्शन करंट। तो कहते कंडक्शन करंट क्योंकि ये कंडक्टिंग वायर के थ्रू फ्लो कर रहा है, दिस इज कॉल्ड कंडक्शन करंट। तो इनकंसिस्टेंसी को हम स्टडी करेंगे, तो उसके लिए हमें नेक्स्ट सब हेडिंग रखना होगा यहाँ पे, कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट, कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट, डिस्प्लेसमेंट करंट के कॉन्सेप्ट को समझिए, वेरी इंपॉर्टेंट। ये समझ में आ गया तो समझ लो कि बहुत बड़ा अचीवमेंट है आज के लिए। एक कैपेसिटर लेता हूं मैं यहाँ पे, कैपेसिटर के प्लेट है, कैपेसिटर ले लिया मैंने, थोड़ा बड़ा सर्किट बना रहा हूँ, और इसको जब आप कनेक्ट करते हो बैटरी से, कैपेसिटर को जब आप कनेक्ट करते हो बैटरी से, तो कैपेसिटर के प्लेट्स पे चार्ज पहुंचना स्टार्ट हो जाता है और यहाँ पे चार्जिंग चालू हो जाती है कैपेसिटर, कैपेसिटर स्टार्ट्स चार्जिंग। अब यहाँ पे आप क्या करो कि एक कोई भी मैग्नेटिक निडल रख, इस पॉइंट पे मैंने क्या किया कि एक मैग्नेटिक निडल को रख दिया, दिस इज द मैग्नेटिक निडल नंबर वन, ये पहला नंबर का मैग्नेटिक निडल एक मैंने यहाँ पे प्लेस कर दिया। मैग्नेटिक निडल का मतलब क्या है कि अगर इस रीजन में कभी मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करता है तो ये निडल क्या करेगा, वाइब्रेट करेगा या डिफ्लेक्ट करेगा अपने प्रेजेंट सिचुएशन से। और एक मैग्नेटिक निडल यहाँ पे रखती है, ये है निडल नंबर टू, सेकंड नंबर का निडल। अब जैसे ही आप यहाँ पे बैटरी कनेक्ट करोगे, जब आप यहाँ पे एक मान लो स्विच रखता होगा, बैटरी को जब आप कनेक्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान समझना एकदम, बहुत आराम से बोलूंगा मैं। व्हेन यू विल कनेक्ट दिस स्विच, द बैटरी विल गेट डायरेक्टली कनेक्टेड विद व्हाट, कैपेसिटर, कैपेसिटर के प्लेट से बैटरी कनेक्ट हो जाएगा, और जब ये कैपेसिटर के प्लेट से कनेक्ट होगा तो चार्ज पहुंचना स्टार्ट हो जाएगा कैपेसिटर के प्लेट पे। तो ये एक्सपेरिमेंट था मेरा, ठीक। अब हम देखेंगे ऑब्जर्वेशन क्या है इस एक्सपेरिमेंट की। ऑब्जर्वेशन में ये पाया गया, व्हेन द स्विच वाज क्लोज्ड,
When the switch was closed, was क्योंकि ये तब का किया हुआ है, अभी मैं कर रहा हूं तो इज लिख देता हूं. When the switch is closed, जब मैं स्विच को क्लोज कर दूंगा तो क्या होगा, द करंट विल स्टार्ट फ्लोइंग, द करंट स्टार्ट फ्लोइंग टिल द कैपेसिटर गेट्स फुल्ली चार्ज, टिल द कैपेसिटर गेट्स फुल्ली चार्ज. ये कैपेसिटर में करंट फ्लो करना स्टार्ट, मतलब इस वायर में करंट. तो यहाँ पे ऑब्जर्वेशन क्या है, आई विल टेक दिस सर्किट टू द नेक्स्ट पेज. वेट अ सेकंड, देखो ऑब्जर्वेशन क्या पाया गया यहाँ पे इस सर्किट में. जब बैटरी को कनेक्ट किया गया तो ऑब्जर्वेशन क्या मिला हमें, हमने रिजर्व रीडिंग क्या मिली. ऑब्जर्वेशन ये मिला कि दोनों के दोनों मैग्नेटिक निडल, निडल नंबर वन एज वेल एज मिडल नंबर टू शोज डिफ्लेक्शन, शोज डिफ्लेक्शन. जब हमने कनेक्ट किया तो मैंने देखा कि वन में और टू में दोनों में डिफ्लेक्शन आ रहा है. तो निडल वन का तो डिफ्लेक्शन को मैं जस्टिफाई कर सकता हूं. देखना इनकंसिस्टेंसी क्या है, निडल वन में डिफ्लेक्शन क्यों आया. डिफ्लेक्शन इसलिए आया कि इस वायर में यहाँ पे करंट है, इस वायर में यहाँ पे अगर करंट है, हमें पता है कि जब भी वायर में करंट होता है इसके सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड होती है. इस निडल की तरफ क्या है, डॉट मैग्नेटिक फील्ड है. तो जैसे ही मैंने स्विच को कनेक्ट किया तो हमने देखा कि दोनों के दोनों निडल में डिफ्लेक्शन आ गया. तो निडल वन का डिफ्लेक्शन इसकी वजह से ड्यू टू डिफ्लेक्शन ड्यू टू करंट इन द वायर, करंट इन द वायर इसको बोलते हैं कंडक्शन करंट, क्योंकि ये वायर में फ्लो कर रहा है, कंडक्टर में फ्लो कर रहा है, इसको कंडक्शन करंट. लेकिन ये जो दूसरा निडल है ये कैपेसिटर के प्लेट के बीच में, और यहाँ पे ना कोई आपको सर्किट है ना कोई वायर है, और यहाँ पे क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इस रीजन में. तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो इसको मूव करता अगर ये चार्ज पार्टिकल होता तो, लेकिन ये मैग्नेटिक निडल है, इसमें डिफ्लेक्शन का मतलब कि यहाँ भी मैग्नेटिक फील्ड है. तो वो मैग्नेटिक फील्ड कैसे, और ये मैग्नेटिक फील्ड तभी तक एग्जिस्ट करता है जब तक ये कैपेसिटर पूरा चार्ज नहीं हो जाता है. इसका मतलब दूसरा जो करंट आ रहा है मिडिल टू में जो डिफ्लेक्शन आया, इसका वजह मैं अगर आपको बताऊं, एक सेकेंड, मिडिल टू का जो डिफ्लेक्शन है वो बिकॉज ऑफ व्हाट, चेंज इन, देखो इसके लिए मैं एक लाइन थोड़ा पढ़ना चाहूंगा. इट इज लाइंग इन बिटवीन द टू प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर वेयर देयर इज नो करंट, है ना. मिडिल टू क्या है, ऐसे रीजन में है कैपेसिटर में जहां की कोई भी करंट नहीं है. सो दिस मैग्नेटिक फील्ड बिटवीन द प्लेट इज ड्यू टू चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ड्यूरिंग द चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर. समझो इस बात, जैसे ही आप स्विच को ऑन करते हो तो चार्जेज यहाँ पे आना स्टार्ट करते हैं. सडनली तो ये पूरा चार्ज नहीं हो जाता, जब तक ये चार्ज होता रहेगा तब तक यहाँ पे चार्ज आते रहेंगे, ठीक है. ड्यूरिंग द चार्जिंग क्या है कि इसके पोटेंशियल्स चेंज हो रहे हैं, ओके, बिटवीन द प्लेट्स. ड्यूरिंग द चार्जिंग द पोटेंशियल बिटवीन द प्लेट्स इज वेरी, इट मीन्स द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट इज वेरी. तो यहाँ पे ये अनुमान लगाया गया कि जब तक ये कैपेसिटर चार्ज हो रहा होता है
तक ही डिफ्लेक्शन शो कर रहा है ये मैग्नेटिक निडल, इसका मतलब इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है और तभी तक है जब तक कि कैपेसिटर के प्लेट पे चार्ज वैरी कर रहा है या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट वैरी कर रहा है। मैं इस पॉइंट को लिखूंगा, द मैग्नेटिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स इज ड्यू टू, इसमें डिफ्लेक्शन क्यों आया, मैग्नेटिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स इज ड्यू टू द चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स इज ड्यू टू चेंजिंग, यही तो ढूंढना था मेरे को, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स। इसको आगे बढ़ाता हूं मैं, ड्यूरिंग द चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, जब तक कैपेसिटर चार्ज हो रहा होगा तभी तक तो चार्ज में वेरिएशन होगा और चार्ज में वेरिएशन का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड में वेरिएशन रहेगा। ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, ओके, इसीलिए यहाँ पे कहा गया चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर का मतलब क्या, इस प्लेट पे चार्ज आ रहे हैं, अभी आना ही स्टार्ट हुआ है, मतलब चार्ज डिस्प्लेस हो रहा है, चार्ज डिस्प्लेस हो रहा है, इसीलिए इस कॉन्सेप्ट को कहा गया क्या, डिस्प्लेसमेंट करंट का कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो मैं यहाँ से जो करंट निकल के आएगा उसको कहा जाएगा डिस्प्लेसमेंट करंट। तो यहां से फिर हम कहेंगे कि मैक्सवेल ने, मैक्सवेल जिनका मैं अभी नाम ले रहा था बार बार, मैक्सवेल ने कंडक्ट किया ये एक्सपेरिमेंट एंड द चेंजिंग, मैक्सवेल सेड व्हाट, कंक्लूड क्या किया मैक्सवेल ने, द चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, द चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड, ये एक्सपेरिमेंट किया गया मैक्सवेल के द्वारा और इन्होंने कंक्लूड किया कि चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड, यही तो मेरे को ढूंढना था, अभी मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा। बिफोर दैट वेट फॉर अ सेकंड,